नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी और मैं हूं आपके साथ शिव मोहन शर्मा। और मैं हूं आपके साथ वैशाली व्यास। मृदुभाषी पड़ताल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। हाल ही में राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर यह दावा किया है कि डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जरा ये समझने की जरूरत है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी सरकारी कंपनी को बेच देना नहीं होता, बल्कि किसी भी सरकारी उपक्रम में सरकारी शेयर के कुछ हिस्से को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पब्लिक या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ साझा किया जाता है, जिसे डिस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और यह भी PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा इन्वेस्टमेंट लाने का एक तरीका है। जैसा कि पहले के कुछ दौर को याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में सड़कों की जगह गड्ढे हुआ करते थे, उसके बाद रोड्स बनाने के लिए बिल्ड एंड ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत बाहर की कंपनियों को सड़क बनाने के लिए ठेके दिए गए, जिसमें कंपनी सड़क बनाती थी और एक विशेष अवधि तक टोल वसूला करती थी, जिसके बाद उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था और वह हिस्सेदारी और सड़क वापस सरकार के पास आ जाती थी। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अगर सरकारी उपक्रम बाहर से फंड सिलेक्ट करते हैं या किसी दूसरी कंपनी को इस तरह की जिम्मेदारी देते हैं जिसमें वह कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और अपनी लागत पर कुछ मुनाफे के साथ पैसा निकालकर वापस चली जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को डिस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सेक्टर में आधुनिक निर्माण या आधुनिकता लाने के लिए अगर कोई बाहर की कंपनी या देश की कंपनी अथवा आम जनता की इन्वेस्टमेंट IPO के जरिए लाई जाती है, इसे भी डिसइन्वेस्टमेंट की एक प्रक्रिया कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि इस प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पहली बार देश में लागू की जा रही है। जी हाँ, यह सवाल उठाने वाले या लोगों को भ्रमित करने का संदेश देने के लिए हवा की तरह इन खबरों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला को पहले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पर जाकर 2009 से लेकर 2014 तक इस तरह के डिसइन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को देखना चाहिए। उस समय तो सरकार भी UPA की थी, जिस पर शिकंजा भी पूरी तरह से गांधी परिवार का कसा हुआ था। 2009 और 2000 के बीच फाइनेंस ईयर में सरकार द्वारा NHPC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC रूरल इलेक्ट्रिक एक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और NMDC की कंपनीज में डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। 2010 और 2011 के ईयर में SAGVN लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कोल, इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, MOIL शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं 2011 और 12 के ईयर में फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONBC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2012 और 2013 के ईयर में NBCC लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, NMDC ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC RCFL नॉल्को सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ 2013 और 2014 के ईयर में NHPC लिमिटेड, BHEL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CBAC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, MPTC लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाय वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी 34 सरकारी कंपनियों का डिस इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो क्या UPA सरकार ने भी सोनिया गांधी ने देश बेच दिया था? अगर सरकारी उपक्रम अपने काम में गुणवत्ता नहीं ला सकते और इसके लिए क्षेत्र के विशेषज्ञ आकर अपना काम करते हैं, क्या इसमें किसी तरह की कोई बुराई है? भैया, आज के दौर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के जरिए ज्यादातर काम होते हैं, क्या भारत सरकार को BSNL पर ही निर्भर रहना चाहिए जो आज भी 3G की स्पीड दे सकता है? आज जब पूरी दुनिया 5G के दौर में जा रही है, उस समय हमें क्या BSNL पर निर्भर रहना चाहिए? अगर भारतीय उपक्रमों को उन्नत बनाने के लिए और उसमें गुणवत्ता का सुधार करने के लिए PPP मॉडल के आधार पर डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो यह देश के विकास और प्रगति का ही आधार है। और इसके लिए किसी भी तरह की अफवाह और भ्रामक खबरों को अगर आम जनता में फैलाया जाए सिर्फ अपने राजनीतिक और स्वार्थ परत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, इस तरह की कार्यवाही को किस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए, यह आम आवाम अपने आप से ही चिन्हित करें।
इसी के साथ मृदुभाषी पड़ताल में हम और भी खास पड़ताल आपके सामने पेश करेंगे, हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।